हेलो स्टूडेंट्स, माय सेल्फ जगन्नाथ। टुडे वी स्टडी यूज ऑफ डेफिनिट आर्टिकल्स था। जैसा पहले वीडियो में डिटरमिनेशन के बारे में मैंने बताया था, अब आप पार्ट वन आर्टिकल्स में जो आपका द आता है, द के बारे में आप डिफाइन करेंगे। अगर कोई सिंगुलर काउंटेबल नाउन सेंटेंस में पहली बार आता है तो उसके पहले ए एन लगता है। अगर वही नाउन दूसरी या तीसरी बार आता है तो उसके पहले द लगता है। जैसे दिस इज अ बुक, द बुक इज इंटरेस्टिंग। तो बुक पहले यहाँ पर आया सेंटेंस में, तो यहाँ पर ए लिखा गया है, और जब दूसरी बार आया तो यहाँ पर द यूज हो गया है। इस तरह से कहा गया है कि अगर सिंगुलर कोई काउंटेबल नाउन है, सेंटेंस पहली बार आएगा तो उसके पहले ए और आई लगता है, लेकिन अगर वही नाउन दूसरी या तीसरी बार आता है तो उसके पहले द लगता है। जैसा कि एग्जाम्पल देखा आपने, आई हैव एन इम्पॉर्ट, पहले सेंटेंस में इम्पॉर्ट पहली बार आया है तो यहाँ पर आई यूज किया गया है, और जब दूसरी बार इम्पॉर्ट आ रहा है तो यहाँ पर द यूज किया जा रहा है। नाउ सेकंड सेंटेंस, अ स्टूडेंट वेंट टू अ टीचर एंड पुट अ क्वेश्चन बिफोर हिम। इस सेंटेंस में ए स्टूडेंट जो आपका नाउन है ये पहली बार आया है, इसलिए यहाँ ए यूज किया गया है। यहाँ पर टीचर पहली बार आया तो ए यूज किया गया है, क्वेश्चन आपका पहली बार आया है तो इसलिए यहाँ ए यूज किया गया है। सेकेंड लाइन देखिए, द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट टू राइट द क्वेश्चन ऑन अ पीस ऑफ पेपर। इसमें अब वही नाउन दोबारा यूज हुआ है लाइन पर, तो यहाँ पर फिर द टीचर आ गया, यहाँ पर द स्टूडेंट हो गया, और यहाँ पर द क्वेश्चन हो गया। इस तरह से कहा गया है कि अगर वही नाउन दूसरी या तीसरी बार आता है तो उसके पहले द लगता है। पॉइंट सेकंड देखिए, सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले जिससे पूरी जाति होल क्लास स्पेसीज का बोध हो, ए एन या द का प्रयोग किया जाता है। लेकिन पूरी जात का बोध कराने के लिए प्लूरल नाउन के पहले द का प्रयोग नहीं होता है। जैसे ए काउ इज अ यूजफुल, यहाँ पर ए काउ है, काउ सिंगुलर है, लेकिन इससे भी सभी काउ के बारे में जानकारी होती है, जितनी भी गायें हैं वो सवारी के लिए उपयोगी होती हैं, तो यहाँ पर काउ सिंगुलर है तो ए यूज किया गया है। द काउ इज यूजफुल, यहाँ भी सभी गाय को इंडिकेट किया गया है, लेकिन काउ तभी सुंदर है, इसलिए यहाँ पर भी द काउ यूज किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, काउज आर यूजफुल, यहाँ पर जब सभी गायों को बात कहा गया है, काउज प्लूरल में आ गया है, तो कोई भी यहाँ पर आर्टिकल यूज नहीं किया गया है। यद्यपि सभी गायों को इंडिकेट किया गया है, लेकिन ये प्लूरल होने के बाद यहाँ पर ए एंड द का प्रयोग नहीं किया गया है। यदि प्लूरल नाउन से पर्टिकुलर डेफिनिट नाउन का बोध हो तो द का प्रयोग निश्चित रूप से होता है। जैसे द काउज ऑफ गुजरात आर वेरी यूजफुल, यहाँ पर क्या है, काउज प्लूरल है, लेकिन बात की जा रही है गाय, विशेष रूप से गुजरात की बात कही गई है, पर्टिकुलर काउज की बात की जा रही है, तब काउज से पहले यहाँ पर द का यूज किया गया है। द बुक्स यू गेव मी आर वेरी इंटरेस्टिंग, जो बुक्स आपने मुझे दी हैं वो है बहुत इंटरेस्टिंग थी। तो इस तरह से बुक्स विशेष की बात की जा रही है, यहाँ पर गायों की विशेष रूप से गुजरात की बात की जा रही है, तो ऐसी स्थिति में प्लूरल होने के बाद भी वहाँ पर द का प्रयोग किया जाता है। अगला क्या है सेंटेंस, आई हेल्प द स्टूडेंट्स, मैंने स्टूडेंट्स की हेल्प की। इसमें क्या है कि श्रोता ये पहले से जानता है कि वक्ता कौन से स्टूडेंट के बारे में कह रहा है, सुनने वाला व्यक्ति जानता है कि किस स्टूडेंट के बारे में कहा जा रहा है, तब विशेष रूप से स्टूडेंट है जो जिन स्टूडेंट्स के बारे में जानता है, तब स्टूडेंट्स के पहले भी द का प्रयोग किया गया है। आई हेल्प द स्टूडेंट्स हु अटेंडेड द क्लास रेगुलरली, मैंने उन स्टूडेंट्स की हेल्प की जो रेगुलर क्लास अटेंड करते हैं। थर्ड पॉइंट क्या है, अनकाउंटेबल नाउन्स,
अनकाउंटेबल नाउंस उनको कहते हैं जिनको हम काउंट नहीं करते हैं, विशेष रूप से जैसे शुगर है, आयल है, फ्लोर है, पल्सेस हैं, वेजिटेबल्स हैं, मिल्क है, गुड़ है, आटा है, चावल है, ये सब अनकाउंटेबल नाउंस हैं। तो इन्हें मटेरियल भी कह सकते हैं। तो मटेरियल नाउंस हो, अब्स्ट्रैक्ट हो, प्रॉपर नाउन हो के पूर्व सामान्यतः आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं किया जाता है, परंतु जब रेफरेंस से किसी पार्टिकुलर डेफिनेट काइंड ऑफ नाउन का बोध होता है तो द का प्रयोग अवश्य होता है। जैसे गोल्ड इज कॉस्टली, यहाँ पर गोल्ड जनरल वे में कहा गया है, किसी विशेष गोल्ड की बात नहीं कही गई है, तो यहाँ पर किसी प्रकार के आर्टिकल्स का यूज नहीं किया गया है। लेकिन कहा गया अगला सेंटेंस, द गोल्ड ऑफ दिस रिंग इज कॉस्टली, पर्टिकुलर किसी गोल्ड विशेष की बात कही आ रही है। जब कहा गया है कि इस अंगूठी, कोई एक अंगूठी है, इस अंगूठी का जो सोना है बहुत कीमती है, तो कहने का अर्थ यहाँ पर किसी विशेष रूप से गोल्ड की बात कही जा रही है, कॉमन गोल्ड की बात नहीं की जा रही है। तो ऐसे में वहाँ पर द गोल्ड का यूज किया गया है। नेक्स्ट है वी ड्रिंक वाटर, वाटर इन जनरल मीन्स हम पानी पीते हैं, यह सामान्य सी बात है, यहाँ पर किसी प्रकार के आर्टिकल्स का यूज करने की आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट क्या है, द वाटर ऑफ दिस वेल इज स्वीट, अब पर्टिकुलर पानी की बात की जा रही है कि जो मैंने ये कुआं है, इस कुएं का पानी बहुत मीठा है। तब जब किसी वाटर विशेष की बात की जा रही है, किसी व्यक्ति विशेष या पर्टिकुलर प्लेस के पानी की बात की जा रही है, तो वहाँ पर द का यूज किया गया है। नेक्स्ट है ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ये मॉरल सी बात है कि ऑनेस्टी जो है बहुत अच्छी नीति होती है। ये जनरल बात कही गई है कि ऑनेस्टी क्या है, बेस्ट पॉलिसी है, ये जनरल बात कही गई है। द नेक्स्ट पॉइंट क्या है, द ऑनेस्टी ऑफ अ पुअर माइंड इज एडमायरेबल, मीन्स इस गरीब आदमी की ऑनेस्टी जो है प्रशंसनीय है। तब इस व्यक्ति विशेष की बात जब की जा रही है, तब ऑनेस्टी जो कि आपका अब्स्ट्रैक्ट नाउन है, इससे पहले भी दा का यूज किया गया है। तब जब किसी पर्टिकुलर प्लेस या पर्सन या मटेरियल की बात की जाएगी, तब मटेरियल नाउन या अब्स्ट्रैक्ट नाउन या प्रॉपर नाउन के पहले भी दा का यूज कहीं कहीं हो सकता है। थैंक्स, लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब द वीडियो एंड यू विल सी नेक्स्ट पोर्शन ऑफ दिस आर्टिकल इन नेक्स्ट पार्ट। थैंक्स।